अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। ये मैंने संडे मॉर्निंग में लॉकडाउन में बच्चे घर पे थे तो मैंने तब पे ही बनाया था डोसा, और इसका बेटर मैंने शाम में ही चावल दाल, उड़द की दाल थी, चावल और चने की दाल, और उसमें मेथी दाना भी ऐड किया था। ये सबको मिक्स करके, और अरहर की भी दाल थी, इन सबको मिक्स करके मैंने शाम में भिगो दिया था। 5-6 घंटे तक ही भीग गया था। रात में फिर मैंने उसे अच्छे से पीस के मिक्सी में, और फिर इसे रख दिया था। सुबह तक ये खमीर हो गया था, तो सुबह ये मैंने नाश्ते में बनाए थे संडे में, और ये खाने में बड़े टेस्टी लग रहे थे। इसके साथ मैंने चटनी भी बनाई थी। इधर ये मेरा चूल्हा ख़राब हो रहा है तो बार बार मैं इधर से उधर कर रही थी। एक साइड का छोटा वाला चूल्हा बहुत ही कम चल रहा है, तो अब मुझे ये समझ नहीं लग रहा था। तभी जब भी मुझे ये हल्की आंच पे रखना होता था तवे को, तो उस उधर कर देती थी और कढ़ाई इधर रख देती थी। मैंने चटनी बनाई मूंगफली की, तो उसको छोकर लगाना है, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई रखी। उसमें मैंने तेल डाल के रखा है, और सरसों के दाने से राई से छोकर लगाएंगे चटनी में। बड़ी मज़े की हो गई थी भाई चटनी तो, और ये भी बड़े मज़े के लग रहे थे खाने में। ले बच्चों ने इतने शौक से नहीं खाया, क्योंकि नाश्ते में एकदम उठते ही नहीं खाया जाता, और फिर ये चीज़ बच्चे शौक से खाते भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा बना था। मेरा बड़ा मन करता है इस तरह की चीज़ें ट्राई करते रहने का। तो उधर तेल भी गर्म हो गया था चटनी में छोका लगाने के लिए। और इधर मैं इसको छुटाने की कोशिश कर रही थी। ये अपने आप ही तवा छोड़ देता है जब ये नीचे से सीख जाता है, एक साइड से अपने आप तवा छोड़ देता है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि जल्दी छूट जाए। और ये फिर से हुई कढ़ाई की सीट चेंज। और ये चटनी से खाने में बहुत ही मज़े का लग रहा था, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया था, बच्चों को भी पसंद आया था, लेकिन वो शौक़ से नहीं खा पा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था, और अर्शी को भी बहुत मज़े का लगा था। बस संडे तो मैं सारा दिन कुछ शूट नहीं कर पाई बच्चों के साथ में, उलझी रहती हूँ बस सारा दिन बच्चों के साथ। और मंडे में हम जाएंगे चांदनी चौक, आपको भी लेके चलेंगे। ये हम मंडे की दोपहर को चांदनी चौक आ गए थे। मुझे बेटी को बालियाँ दिलानी थी, गोल्ड में यहीं से लेती हूँ, तो बस हम यहाँ आए थे। तो बेटी को ये ज़्यादा पसंद है, ये साइकिल पे जो बेचते ना, ये आलू की सब्ज़ी और खस्ता कचौरी बोलते हैं इसे, ये इसे बहुत पसंद है। तो बोली अम्मी पहले मुझे ये खिला दो, तो हम ये खाने लग गए थे। यह है दौलत की चाट। और ये चांदनी चौक की बहुत ही फेमस चीज़ है, और बहुत ही मज़े की लगती है, इसे बोलते हैं दौलत की चाट, बड़ी मज़े की होती है। हमने ये भी खाई थी, और हमने यहाँ पे बहुत मज़े करे। हमने बाली तो ख़रीद ली थी, उसके बाद में हमने बहुत मज़े करे, हम बहुत घूमे दोनों माँ बेटी। हम शाम तक आए थे, दोपहर के गए हुए, शाम तक घर वापस लौटे थे, और बहुत मज़े करे। हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, और बहुत सारी चीज़ें हमने ख़रीदी भी थी।
बस ये यहाँ पर चांदनी चौक के पास गुरुद्वारा है, हम यहाँ गुरुद्वारे में भी अंदर गए। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम गई और मुझे तो डर लगता था कि कहीं ये लोग रोक टोक करेंगे या कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अर्शी जिद करने लगी कि अम्मी मुझे तो इसके अंदर जाना है, मैं यहाँ वीडियो बनाऊँगी और मुझे जाना है। तो मैंने कहा भाई मुझे तो डर लग रहा है, तो कहीं डांट डांट ना दें कि आप लोग क्यों जाओगे यहाँ। तो ये पूछ कर आई कि अंकल हम अंदर जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जा सकते हो अंदर, सर ढका रहना चाहिए और जा सकते हो। और ये तो भाई इतनी खुश हो गई। और ये यहाँ पे कड़े लेने लग गई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे, इसमें काले मोती पिरे हुए प्यारे लग रहे थे। मेरे फोन में भी वीडियो बन रही थी इतनी देर से। तो पहन ही रहा, दो ले लो, एक ना दोनों ना, 30 की दो, नहीं 30 की दो लगा लो, नहीं नहीं 30 की दो लगा लो, 30 रुपए दे। और ये दौलत की चाट पे से गुलाब का फूल अपने हाथ में ले आई थी, जो उसे लेके घूमती फिर रही थी। ये सही है? हाँ। ले लिए मैंने पैसे। और ये तो मैं गुरुद्वारे के अंदर फर्स्ट टाइम गई थी ना, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था जाने के बाद में। लेनी तुझे कह रही ये वाली लेनी, कितने की है? 100 रुपए। कम पैसे नहीं लगाओगी? नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छी दिखा देना लीड, 80 रुपए की बढ़िया क्वालिटी चेक करो, अच्छी होनी चाहिए, काम अच्छी है मैडम, चेक करो एक बार, क्वालिटी बढ़िया है, बार बार यहीं पे आओगे लेने के लिए।